नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी में लगातार ट्रेन हादसे की साजिश रची जा रही है। पहले कानपुर और अब हरदोई में ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हरदोई में ट्रेन को बिजली शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट करने की साजिश रची गई है। आशंका जताई जा रही है कि दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन जिस बिजली के खंभे के केबल से टकराई, वहां पर किसी के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। रेलवे मामले की जांच कर रहा है। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता से अमृतसर जा रही थी। इसी बात की आशंका है कि केबल से किसी व्यक्ति ने जानबूझकर छेड़छाड़ की है। ट्रेन जैसे ही केबल से टकराई, तुरंत ब्लास्ट हो गई है। लखनऊ से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर रात में दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर को इलेक्ट्रिक लाइन में लटकता हुआ कुछ दिखाई दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, तब तक ओएचई लाइन ब्लास्ट हो गई और विद्युत आपूर्ति ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। रेलवे विभाग ने पूरे मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। ये घटना लखनऊ से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर रात्रि 3 बजे दलेल नगर व उमरताली के मध्य की है। इलेक्ट्रिक विद्युत लाइन पूरी तरीके से बंद हो गई। ट्रेनों का आवागमन भी बंद हो गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद दुर्गियाना एक्सप्रेस को सुबह 7 बजे डीजल इंजन से रवाना किया। इस दौरान सभी यात्री बेहाल हो गई। इससे पहले कानपुर के अंदर भी ट्रेन को ब्लास्ट करने के लिए पटरियों पर पेट्रोल और LPG गैस सिलेंडर रखा था। हालांकि वो हादसा भी टल गया है। अब फिलहाल दोस्तों अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रही हैं। बहुत ही बड़ी खबर सकता रही है।